अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में कोरोना की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रही है। एक दिन में 3000 से ज्यादा नए मामले सामने आने से पता चलता है कि स्थिति कितना विकराल रूप लेती जा रही है। अब इस तरह की खबरें आ रही हैं कि जम्मू कश्मीर में भी ऑक्सीजन की कमी कुछ जगह होने लगी है। प्रभा साक्षी संवाददाता ने श्रीनगर में ऑक्सीजन रिफिलिंग इकाइयों का दौरा किया और वहां के संचालकों से जानने की कोशिश की कि स्थिति क्या है। आपको अपनी इस रिपोर्ट में वो दिखाएंगे कि क्या स्थिति है ऑक्सीजन की, खासतौर पर श्रीनगर में। साथ ही आपको ये जानकारी दे दें कि जो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर है वहां के प्रशासन ने एक बड़ा और कड़ा निर्णय लिया है और उसके तहत गुरुवार रात से यानी आज रात से 84 घंटे का पूर्ण लॉकडाउन लगने जा रहा है। स्थिति को संभालने का है, जो कोरोना की चेन को तोड़ने का ये प्रयास है। इसके तहत 84 घंटे का जो लॉकडाउन है सोमवार सुबह तक जारी रहेगा। इस दौरान हालांकि आवश्यक सेवाएं जारी रहेंगी। फिलहाल आपको दिखाते हैं ऑक्सीजन की इस समय श्रीनगर में क्या स्थिति है। मेरा नाम मोहम्मद शफी डार है, मैं इस जेके गैस का ओनर हूँ। इस वक्त हालात तो बहुत खराब है। हमने पिछले साल भी पूरा जहाँ भी गैस जरूरत थी हमने पूरा दे दिया है। इंशाल्लाह इस साल भी कोशिश कर रहे हैं, जैसे हमारा सिग्नल में जा रहा है, SMHS में जा रहा है या और अस्पतालों में जा रहा है, हमारी कोशिश है दिन रात 24 घंटे हमारे वर्कर भी काम कर रहे हैं, उसमें उनका भी बहुत क्रेडिट जा रहा है और हम भी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को कोई दिक्कत ना आए। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर हमारे वर्कर भी है, इनको भी ध्यान रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये खुदा ना करे ये भी पॉजिटिव हो जाए, इस प्लांट पे कोई इफेक्ट पड़े। यहाँ भी हम SOP का बहुत ख्याल रखते हैं और ये पूरा 24 घंटे हमारा प्लांट चल रहा है। J&K का सबसे बड़ा प्लांट है ये। हमारी कोशिश यही रहेगी कि जो गवर्नमेंट ने इंस्ट्रक्शन दे दिया है सब लोगों को, अपना पूरा ख्याल रखिए, घर से बिला वजह मत निकल जाए, क्योंकि खुदा ना करे कि ऐसी सिचुएशन आ जाए यहाँ जैसे दिल्ली में है, बम्बई में है, कि यहाँ फिर लोगों को बिना ऑक्सीजन के बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो जितना हमारा कैपेसिटी है 1200 सिलेंडर हम भरते हैं पूरे 24 घंटे में। मैंने आपको पहले भी कहा है कि ये J&K का सबसे बड़ा प्लांट है जो 1200 सिलेंडर इधर से निकल रहे हैं, क्योंकि कोशिश यही है कि हम और भी इसमें निकल जाए, मगर जितना हमारे से हो सकेगा हम उतना कर देंगे। आखिर में यही मैसेज है कि लोगों को खास ख्याल रखना चाहिए ना, कि घरों से मत निकल जाए, बिला वजह मत निकल जाए, अपने घरों में रहे, अपने बच्चों का ख्याल रखे, क्योंकि आपने नहीं देखा कि दिल्ली में, बम्बई में या बंगाल में ऑक्सीजन की कितनी दिक्कत हो गई, क्या ऐसा खुदा ना करे कि ऐसे कि कश्मीर में ऐसी हालत हो जाए। बहुत ज़्यादा बढ़ गया, यानी रात दिन करना पड़ रहा है हमको काम, और वर्कलोड 24 घंटे प्लांट चल रहा है, और यानी कि पहले से बहुत ज़्यादा वर्कलोड बढ़ गया हमारे सर पे, और पूरा स्टाफ लगा हुआ है मेहनत से, जैसे जितना हमसे हो पाएगा उतने प्रॉब्लम हम नहीं आने देंगे। सर जो SOP है गवर्नमेंट का वो उसको फॉलो करे, मास्क वगैरह जो है वो उसको करे। मतलब काफ़ी ज़्यादा ख़राब है इस वक्त, जो डिमांड्स है वो डे बाई डे इंक्रीज़ हो रही है, और हॉस्पिटल्स से भी काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आ रहा है कि अगर सिक्किम्स में इस वक्त एट प्रेजेंट 600 सिलेंडर जा रहे हैं तो उनका प्रेशर इतना आ रहा है कि 100 to 200 और इसमें इंक्रीज़ किया जाए। SMHS से भी सेम यही हाल हो रहा है, मतलब वहाँ भी यही हालत है, पेशेंट्स बढ़ रहे हैं डे बाई डे। हमारी अपील रहेगी कि अगर गवर्नमेंट की तरफ से जो SOPs है उन पर स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए, तो इससे लॉकडाउन लगेगा उस पर फॉलो किया जाएगा, तो उम्मीद है कि अभी कंट्रोल में है सिचुएशन, बट इन फ्यूचर इट मे गो फ्रॉम वर्स बैड टू वर्स। देखिए हमारे पास पहले जो ये डिमांड्स थी वो 400 सिलेंडर्स थी लास्ट मंथ जो हम यहाँ से निकाल रहे थे सिलेंडर, वो कुछ अराउंड 400 जा रहा था हॉस्पिटल में, बट इट हैज़ इंक्रीज नाउ, इट इज़ गोइंग 1000 सिलेंडर, 60% डिमांड हैज़ इंक्रीज इन दिस मंथ। तो हमने प्लांट को मेंटेन करके रखा है, फिल्टर जितना भी रिक्वायरमेंट था, मेंटेनेंस का जो भी रिक्वायरमेंट था वो हमने किया है पूरा। अभी हमारे प्लांट में जो कैपेसिटी था 1000 सिलेंडर टू 1000 सिलेंडर से हमने इसको बढ़ा के 1100 सिलेंडर करवा दिया है, क्योंकि कूलिंग, एक तो हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी का इशू है था यहाँ पे, जो ट्रिपिंग होती थी ट्रिपिंग नहीं हो रही है अभी, तो उस वजह से जो प्लांट की जो कूलिंग है, प्लांट कूलिंग में रहता है, जितना ज़्यादा प्लांट कूलिंग में रहेगा
उतना हमारा जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो बढ़ता है। तो मतलब अगर 1000 सिलेंडर जाता था, नाउ वी हैव मेड इट टू 1200 सिलेंडर्स पर डे। वी आर ट्राइंग टू मेक इट मोर देन दैट, बट इसमें क्या कर सकते हैं, दुनिया का कोई भी हेल्थ केयर सिस्टम इसमें फेल है। ये तो अल्लाह से ही मतलब है कि अगर वहाँ अल्लाह चाहेगा तो इसमें तब जाके कुछ हो सकता है। एडमिनिस्ट्रेशन तो पूरी तरह से सपोर्ट दे रही है, उसमें कोई कमी नहीं है, लेकिन हमारे पास जितना कैपेसिटी है उतना ही सिलेंडर हम भर सकते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन प्लांट है। इसमें जितनी हमारी यहाँ रिक्वायरमेंट है, आगे बहुत रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। यहाँ और भी प्लांट्स है, वो भी चलेंगे तो इंशाल्लाह फुलफिल हो जाएगा, मतलब उतना ज़्यादा वो नहीं है। लेकिन मतलब लॉकडाउन रहेगा तो हालात तो हम वी आर होपफुल कि एवरीथिंग विल बी। इतना हमारे पास जितनी कैपेसिटी, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि लोगों की डे नाइट हम काम कर रहे हैं, इसमें डे नाइट सप्लाई जा रही है हॉस्पिटल्स में। आप समझे, मतलब मैं आपको बताऊंगा कि अराउंड 15 व्हीकल्स 16 व्हीकल्स आर गोइंग टू सिक्किमस बैक टू बैक डे नाइट, एंड 10-12 व्हीकल्स आर ऑल्सो गोइंग टू द SMA। हमारी तरफ से तो पूरी कोशिश है, हम तो आप ऐसे मानो कि हम बैठे ही नहीं हैं, हमारा तो 3 शिफ्ट में काम चल रहा है, हम 24 आवर काम कर रहे हैं।